पूर्व सांसद कंकर मुंजारी के द्वारा अपने निज निवास पर एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने पत्रकारों से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। आपको बता दें कि पूर्व सांसद कंकर मुंजारी के द्वारा 21 मार्च को अपने निज निवास पर एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से उनके विरोधियों के द्वारा राजनीतिक गलियारों में यह खबर फैलाई जा रही थी कि कंकर मुंजारी पर चल रहे मामलों के तहत वह चुनाव नहीं लड़ सकते, उस पर उन्होंने न्यायालय में अपील की थी कि वह चल रहे केस को जल्द से जल्द उन पर फैसला सुनाए या फिर उन्हें चुनाव लड़ने की अनुमति दे, जिस पर माननीय न्यायालय के द्वारा उन्हें चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी गई। यह अनुमति उन्हें अभी बीते कुछ दिन पहले ही मिली है। जब प्रेस वार्ता में पूर्व सांसद कंकर मुंजारी से यह पूछा गया कि कांग्रेस के द्वारा अभी तक लिस्ट जारी नहीं की गई है, उसे आप किस रूप में देखते हैं, तब उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को इतना विलंब प्रत्याशी घोषित करने में नहीं करना चाहिए था। बाकी वह इतना लेट क्यों कर रहे हैं, यह तो पार्टी का अपना व्यक्तिगत विषय है और इस विषय पर वह कुछ नहीं कहेंगे, बल्कि वह यही कहेंगे कि यदि जितने जल्दी आप अपना पार्टी प्रत्याशी घोषित कर देती तो इससे पार्टी का ही फायदा था, क्योंकि भाजपा के द्वारा अपने प्रत्याशी घोषित कर अपना चुनाव प्रचार भी उन्होंने शुरू कर दिया है। वहीं वार्ता के दौरान उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने इंडियन नेशनल पार्टी के नाम से फॉर्म 20 मार्च को ही ले लिया है और वहां पूरी ईमानदारी के साथ कांग्रेस पार्टी में जाना चाहते हैं और चुनाव लड़ना चाहते हैं, और उन्होंने फॉर्म भी पार्टी के नाम पर लिया है। तो ग्रामीणों की ग्रामीणों ने शिकायत किया तो मुझे बुलाया था, वहाँ हमने गया था, वो मामला उनके चल रहा था, इसमें मुझे सजा हो गई थी 2 साल की, एमपी एमएलए कोर्ट से भी लोअर कोर्ट है सीजीएम, और उसके आधार पे जो है कोर्ट ने जो गवाह दे दिया था वो बेबुनियाद आधार था उनका, और उन्होंने ठीक से उसको देखा नहीं, समझा नहीं, और एक तरफा को सजा दे दी, जबकि उसमें कोर्ट में जो है जो उसका FIR करने वाला जो आदमी अजय गुजारी, उसने कोर्ट में आके ये बयान दिया हुआ है कि मेरे साथ कोई मारपीट नहीं हुई, मेरा बयान लगा है और ये रिपोर्ट जो है जो बनाई गई है मेरे नाम से ये गलत है, मैंने कोई लिखा नहीं है। पुलिस ने रात के 9 बजे 10 बजे बुलाकर खैरानी थाने में उसे दस्तखत करा दिया, कोर्ट में बोला है, एक समय पर भी दिया है कोर्ट ने, तो मतलब FIR तो दिया था, FIR करता जो था वो कमा जो था वो हॉस्टाइल हो गया। दूसरी बात, उसमें जो इंक्वायरी ऑफिसर जो था पटले करके, इंक्वायरी ऑफिसर भी गर्दा में एक एक्सीडेंट में वो उसकी मृत्यु हो गई, जब इंक्वायरी ऑफिसर भी नहीं है, गवाह भी हॉस्टाइल हो गई है, इंक्वायरी ऑफिसर भी नहीं है, मर गया है, तो वो फिर तो बात ही खत्म हो गई है, क्योंकि इंक्वायरी ऑफिसर से पूछना पड़ता कोर्ट में क्रॉस होता है कि भाई आपने कब देखा, क्या इंक्वायरी किया, क्या प्राप्त किया, तो जब बताने वाले नहीं कोर्ट में तो दूसरा जो TI आके उसे इतना ही बोला उन्हें कि ये दस्तखत उसके हैं, इंक्वायरी के दस्तखत से काम ही चलता है, उसे उसे आर्गूमेंट भी करेगा ना हमारा वकील, वो भी पूछेगी फिर हमारा वकील भी आर्गूमेंट करेगा, तो उसे तो आर्गूमेंट हुआ ही नहीं इंक्वायरी ऑफिसर से। फिर तीसरी बात इसमें यह है कि जो एक द्विवेदी करके जो आदमी है उनका, जो बच्चा में उनका आदमी है, वो बोल रहा है कि मुझे मारपीट की गई, वो बोल रहा है कि पीछे से किसने मारा मैंने देखा नहीं, वो गवाह में साफ बोल रहा है पीछे जिसने ही मारा मैंने उसको देखा नहीं, और वो कह रहा है कि मुझे बेशरम की लकड़ी से मारा गया है, और पुलिस ने जब्त की वो 5 से 8 डंडा जब्त किए। चौथी बात यह उसमें कि उसमें जो पुलिस ने इंक्वायरी की है उसमें मोबाइल का लोकेशन दिया है, तो मोबाइल का लोकेशन अलग अलग है, सबके अलग अलग लोकेशन है, तो फिर एक साथ वो कब यहाँ पे आ गए, सबको लोकेशन अलग दे दिया पुलिस ने, जितने भी लोगों का नाम डाला गया कि भाई ये मारने वाला है, वो सबका लोकेशन दूर दूर के अलग अलग है, तो कहीं से भी वो प्रमाण नहीं होता। दूसरी बात जो उन्होंने लगाया था, हमसे आरोप लगाया था कि राजेश पाठक से हमने 20 लाख रुपए महीने की मांग की है, वो ड्राइवर हमने ऐसा बोला है, तो ड्राइवर का भी प्रूफ नहीं हुआ कि वो ड्राइवर उनका है, कोर्ट में प्रूफ नहीं हो पाया कि ड्राइवर का रिजल्ट उनका है। दूसरी बात, राजेश पाठक उसने कहीं बताया नहीं, राजेश पाठक ने कहीं कोर्ट में रिपोर्ट नहीं की है, कि शिकायत नहीं की है कि भाई मेरे कर्मचारी ने मुझे बताया कि कंकर मुंजारी ने मुझसे 20 लाख रुपये नहीं मांगा, इसको काम करना चाहिए, तो राजेश पाठक ने भी कहीं शिकायत नहीं की उसकी कि मेरे कर्मचारी ने बताया है, कोर्ट में भी नहीं किया, पुलिस में भी नहीं किया, उसकी गवाह भी नहीं हुई, तो आप किस आधार पर वो
जनरल स्टेट एक्ट लगा रहा हूँ 327, ये भी प्रूफ नहीं है कोर्ट में, तो कोई भी चीज प्रूफ नहीं हुई कोर्ट में, और फिर भी हमको सजा दे दी, तो कोर्ट ने जो है वो हमारे साथ न्याय नहीं किया था, एक तरफा उन्होंने दे दिया। मुझे लगता है कि वो किस कारण से दिया अभी हम कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन एक तरफा उन्होंने दे दिया और हमारी बहस भी नहीं सुनी, हमारी लिखित बहस को भी लिया, हमारी बहस को भी नहीं सुना था। तो मामला यह है, हम नदी को बचाने के लिए, पानी को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, खेत की खेतों की फसल को बचाने के लिए, पीने का पानी रहेगा तो दुनिया रहेगी और पर्यावरण ठीक रहेगा तो हमको ठीक ठाक हवा मिलेगी, वायु मिलेगी, तो हम जीवित रहेंगे सबके लिए। तो ये सब मामला था उसमें, अगर कोर्ट ने सबको एक तरफ रख दिया और उन्होंने फैसला कर दिया, और वो फैसला का अपना सेशन कोर्ट में जो अपील की है, तो सेशन कोर्ट में अभी पेंडिंग रखा हुआ है, तीन बार करीब जज ने उसको बढ़ाया है फैसले के लिए। आर्गूमेंट हमारा हो गया वकील का, आर्गूमेंट तो पहले फैसले में आर्गूमेंट कर दिया, तो कोर्ट उसको बार बार बढ़ा रही है रिजन करने में, और 15-15 दिन की पेशी चली, जैसे कि हम जानते हैं तो कितने मामले में जा चुके हैं संघर्ष में, आंदोलन में, और बालाट कांड में तो हम लंबे टाइम की जेल में थे, भरवेली कांड में भी हम लंबे टाइम जेल में थे, जब 3 मजदूर को हत्या कर दी थी पुलिस प्रशासन ने, और बालाट कांड में जब जेल में थे, जिसमें कि थान जलाने के आरोप में और 3 लोग जिसमें जल गए थे जिंदा, हालांकि वो गलती उसमें पुलिस की थी, प्रशासन की थी, अगर वो लॉकअप में बंद नहीं करते उन लोगों को तो वो शायद वो नहीं जलते और उनकी मृत्यु नहीं होती। तो उस मामले में रहे, तो वो रिमांड में ये होता है कि 14 दिन की रिमांड देते हैं, तो अभी हमारा जब फैसले की जब हमने आर्गूमेंट कर लिया कोर्ट में हमारे वकील ने, तो अब 14 दिन की पैसे क्यों देवा, पहले तो कम की पैसे दिया उन्होंने, कोर्ट ने पहले कम की पैसे दिया कि 4-5 दिन की पैसे दिया था, फिर उसके बाद 14 दिन, फिर उसके बाद 14 दिन, और अभी भी जब पैसे दी थी हमको तो वो फिर एक बार पैसे दिया 14 दिन, 4 से सीधा 19 तारीख दिया, और 19 से फिर कर दिया 3 तारीख, और हमारे जाने के पहले ही मतलब कोर्ट ने मतलब बाकी दूसरे लोगों को मालूम पड़ गया कि आज से पेशी नहीं होने वाली है और आज पेशी बढ़ेगी, और 3 तारीख को भी पेशी तारीख मालूम पड़ गई उनको, ये मेरे साथ और भी जो लोग उसमें शामिल हैं उनको पहले ही मालूम पड़ गया, क्योंकि उनका वकील दूसरा, मेरा वकील दूसरा है। हमको बड़ा अभी पेशी में गया तो बड़ा हमको आश्चर्य हुआ कि हमारे जो बाकी लोग जो है उनको मालूम पहले पड़ गया, वो पेशी में आए तब हमको पता चला कि पेशी में क्यों नहीं आ रहे हो। तो मतलब राजेश पाठक जो कोर्ट में दखल दे रहा है, सरकार कोर्ट में दखल दे रही है, बीजेपी सरकार, इनका जो एडवोकेट जनरल है और जो लोग भी है वो कोर्ट को ठीक से काम नहीं करने दे रहे हैं, वो दखल दे रहे हैं। कभी आपने सुना नहीं होगा कि बहस के बाद में बार बार कोई फैसले की पेशी पड़ती है 14-14 दिन के लिए, और हम नहीं मांग रहे हैं पेशी, कोर्ट खुद ही बढ़ा रही है, तो क्यों बढ़ा रहे हैं? जिसके आधार पर हमने बोला कोर्ट से, हमारे वकील ने बोला कि भाई हमको चुनाव लड़ना है, हम पहले लोकसभा से रह चुके हैं और हमको ये कन्विक्शन जो है इसको सस्पेंड करो आप, हमको चुनाव लड़ने का अवसर मिलना चाहिए, फैसला फिर आपको जब करना करते रहिए आप। तो ये फैसला में फिर कोर्ट ने किया और ये शाम को फैसला हो पाया, ये भी इस फैसले में साफ साफ है हमको उन्होंने फैसला लड़ने की अनुमति दे दी है चुनाव लड़ने की। जो अभी कुछ लोग जो हमारे विरोधी रूप चला रहे थे कि सजा है और चुनाव लड़ सकते हैं, और मैं अभी जब कांग्रेस की टिकट थी मैंने मांग की कि भैया टिकट देंगे तो मैं कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने को तैयार हूँ और कांग्रेस पार्टी में शामिल होने को तैयार हूँ, मगर मुझे पहले ए बी फॉर्म दो, टिकट दो, मैं पार्टी ज्वाइन कर लूंगा आपकी, लोगों की मांग पे, लोगों की आवाज है, मेरा तो है ही है लेकिन मेरे से ज्यादा लोगों की आवाज है कि कांग्रेस से चुनाव लड़ो, कांग्रेस चुनाव हर कोई सिवनी में, बरगाट में और पूरे बालाघाट जिले में, लोकसभा क्षेत्र में हर जगह किसान की, गरीब की, मजदूर की और पढ़े लिखे लोगों की भी है, कर्मचारियों की भी ये मांग है। तो हमने फिर कांग्रेस में हमने प्रस्ताव दिया, हम तैयार हैं, तो वहाँ पर सजा है कि सजा है कि चुनाव लड़ नहीं सकते, तो बहुत लोग जो है वहाँ पर भेज दिया। तो मुझसे बात कर रहे थे कांग्रेस के नेता, भाई दो साल सजा है आपको तो उसका क्या है, हमने कहा वो तो 19 तारीख को उसका फैसला हो जाएगा, फैसले की तारीख देख सी में, हम जानते थे कि फैसला हमारे पक्ष में होगा, उसमें कोई दमी नहीं है, तो फैसला फिर भी नहीं कर रहे थे, फिर उन्होंने बढ़ा दी 3 तारीख को, तो फिर हमने आवेदन दिया तुरंत, हमारे वकील ने वो पहले से आवेदन तैयार करके आए थे, वो समझ गए थे कि आज फैसला नहीं होगा टाल दे, तो फिर हमको चुनाव लड़ने की पात्रता मिल गई है, ऑर्डर है कोर्ट का।
और हम चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी को इतना लेट तो नहीं करना चाहिए हमारी समस्या, लेकिन वो क्यों कर रहे हैं तो ये हम नहीं बोल सकते उसको कुछ भी। जितनी जल्दी कर देते उतना ज्यादा फायदा कांग्रेस पार्टी को होता, क्योंकि जो बीजेपी जो पार्टी है जिसका कैंडिडेट उन्होंने डिक्लेयर कर दिया उनका तो काम चालू हो गया, मेरा भी शुरू हो गया। ये क्यों लेट कर रहा हम जानते हैं, लेकिन हमने कांग्रेस पार्टी से भी फॉर्म लिया है उनके नाम से, इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से, कि हम बिल्कुल ईमानदारी के साथ में कांग्रेस पार्टी के साथ जाना चाहते हैं और चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो हमने कहा कि जब फॉर्म लेना भी है हमको तो हम कांग्रेस पार्टी के नाम से ही फॉर्म लेंगे, क्योंकि अभी हमने वहाँ पे अपील कर अपना भी प्रस्ताव दे रखा है, बायोडाटा दे रखा है, अपना आवेदन दे रखा है, तो इसलिए हमने कांग्रेस पार्टी के नाम से आवेदन किया है। और लोगों ने भी कांग्रेस से फॉर्म लिया है, और चूंकि हीना जी ने तो शायद प्रचार भी चालू कर दिया है, और सर्वे जिस टाइप का सोशल मीडिया पे चल रहा है उन्हीं का नाम अभी सबसे आगे चल रहा है, इसको लेके क्या कहेंगे? देखो उनका नाम आगे चल रहा है पीछे चल रहा है ये हमको नहीं मालूम है, लेकिन हमारी डिमांड ज़्यादा हो रही है और हर जगह पे आज भी एक मतलब किसी ने डाला हुआ तो आज उसमें भी हम बहुत आगे हैं सर्वे में, और पार्टी का अगर सर्वे कराएगी तो उनको मालूम पड़ जाएगा कि कौन आगे है। ये मैनेज वाला सर्वे नहीं है, लोकल अलग लोग कर रहे हैं सर्वे, हमको पता भी नहीं कौन सर्वे कर रहा क्या कर रहा है। अब वो जो अगर कहीं जाके दौरे कर रहे हैं काम कर रहे हैं तो हमें नहीं पता कि वो क्यों कर रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी की जो नीति रीति है उसके हिसाब से जो जब टिकट जिसको मिल जाए तो उसको जाकर पब्लिक में जाना चाहिए, और हर पार्टी का ऐसे ही है, कांग्रेस पार्टी का अकेला नहीं है। तो अब वो पहले जाके कर रही है तो फिर बाकी जो 3-4 लोगों ने जो आवेदन कर रखा है तो वो तो उनके साथ एक तरह से ठीक नहीं हो रहा है। तो जिन लोगों ने आवेदन दिया जब पार्टी की टिकट डिक्लेयर हो जाए तब जाके जो कैंडिडेट है वो पब्लिक में जाना चाहिए और बात करना चाहिए कि भाई मैं कैंडिडेट हूँ पार्टी का और मुझे वोट दो। अभी कैंडिडेट को डिक्लेयर नहीं हुआ है, आप सबको पता है पूरे लोकसभा क्षेत्र में मालूम सबको पता है, तो उसके पहले जाके बात करना चाहिए ठीक नहीं है, पार्टी का मतलब नहीं रह जाता है इस तरह से। हर कोई अपने अपने ढंग से करने लग जाएगा। हाँ पार्टी की बात जाकर कर सकते हैं भाई देखो कांग्रेस पार्टी को जिताना है इस बार, ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन अपने लिए बात नहीं कर सकते हैं। हम जाके अभी बोले कि नहीं मेरे को वोट देना मेरे को टिकट मिलने वाली है या टिकट मिल गई, ये नहीं बात चलेगी पार्टी की बात कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी ने अगर टिकट दिया आपके साथ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन नहीं दिया तो क्या करें? नहीं दिया तो मैं अभी उनका इंतजार करता हूँ कांग्रेस पार्टी का कि वो बात फैसला करते हैं, और फैसले के बाद मैं तुरंत अपना फैसला करूँगा, अपने साथियों को बुलाऊंगा बैठो, क्योंकि मेरा अकेले का फैसला नहीं है, क्योंकि तो मैं अभी जो आप सवाल कर रहे हैं कि मैं उसका जवाब दे दूँ। पूर्व विधायक अर्जुन काकोड़िया ने कहा है कि पहले आप सबसे पहले उसके बाद टिकट की बात करें, आप बाहरी व्यक्ति को वो लोग बोले कि नहीं देना चाहिए पार्टी को, तो नहीं हो रहा है। अर्जुन काकोड़िया जी ने कहा अर्जुन काकोड़िया जो है उनको उसकी समझदारी नहीं है, बहुत जूनियर है वो, उनका समझदारी होती तो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं बोलते वो। मेरी पार्टी से यहाँ से जन्म लिया उन्होंने, मेरी पार्टी से क्रांतिकल समाज मन से 90 में टिकट लेके गए थे, मेरे से मन आए थे उस समय स्टेट बैंक में वो नौकरी करते थे भोपाल में, और मैंने उनको तीर कमान निशान दिया था आदिवासी होने के बावजूद, मैंने जनरल सीट पर उनको लड़ाया था बरगढ़ में और 10,000 वोट उनको मिले थे, और मैंने हर तरह की मदद की थी, आर्थिक मदद भी की थी उनको, सब प्रकार की मदद की थी मैंने। तो इस तरह की बात वो कर रहे हैं, उनको खुद को सोचना चाहिए, खुद को शर्म आना चाहिए उनको, वो क्या बोल रहे हैं। जब कोई पार्टी में आना चाह रहा है, पार्टी ताकत को बढ़ाना चाह रहा है, तो उसको और मतलब प्रोत्साहित करना चाहिए। अरे तो आपको मालूम है कि ये जो आपका राजकुमार कराए जो है क्या नाम है उनका, वो जो पार्टी में कब आए, पहले आप पार्टी में थे हो, और अब सुबह पार्टी से सिपा देते हैं, शाम को उनको टिकट मिलती है, जाहिर करते शाम को टिकट मिल जाती है, अभी ऐसा होता है क्या? अभी कितने लोगों ने कांग्रेस में टिकट लिया है अभी भी, उन्होंने पार्टी छोड़ा और उन्होंने पार्टी में जाकर टिकट लिया और ज्वाइन कर लिया। तो हम भी तो वही बोल रहे हैं कि आप हमको टिकट दो, अभी फॉर्म दो, तुरंत ज्वाइनिंग लो, फॉर्म भरने के पहले हम तुरंत ज्वाइन कर लें, फॉर्म भरने के पहले हम अभी अर्जुन काकड़ी के बाद गए तो उसको क्या मैनेज करके उससे कहना है क्या, वो घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, जो दूसरे लोग भी डर रहे घबरा रहे हैं, ऐसे करके कंकर मिला को रोको। और ये भी बोल सकते हैं दावे से हम आपको कि हमको टिकट कांग्रेस देगी, भारी बहुमत से जीते कांग्रेस, और वो इसके अलावा किसी को भी टिकट देती तो कांग्रेस का हारना सुनिश्चित है, लोग पसंद नहीं कर रहे किसी दूसरे कैंडिडेट को,
वो मेरे पास रिपोर्ट में है। हर कोई बोल रहा है कि कंकर मुंजारे को टिकट देना चाहिए और वो चुनाव लड़ेंगे तो जीतेंगे, दूसरा नहीं जीत सकता। आप लोग है ना बालाघाट में, आप लोग भी मतलब ये काम करते हो, आप देख जाकर देखो घूम दो थोड़ा सा, क्या बोलते हैं काम में कुछ तो आप क्या कहते हैं, किसको टिकट मिलना चाहिए और क्यों कौन जीत सकता है, किसको वोट डालना चाहते हैं, सही सही सर्वे कर लो आपने।